Hey, what's up, people? इसमें है मेरा बाइक के लिए चेन ल्यूब, ओके मोटुल का है। इससे पहले मैंने यूज किया है और एक मतलब और एक ब्रांड जो है यूरो गोल्ड सुपर, आप लोग देख सकते हो ये वाला मैंने यूज किया है यूरो गोल्ड सुपर। ओके इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब स्टिकी नहीं है। ये मोटुल का जो है ये बहुत ही मतलब स्टिकी है, तो इसको मैं बाहर निकालूंगा, फिर मैं बाहर जाके इसको इसके चेन को मैंने पहले वॉश करूंगा, फिर जाके मैं ल्यूब करूंगा। तो पूरा प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा। ओके गाइस, फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पर सारे चीज़ें हैं। मेरे पास मेरा केरोसिन, मेरा नया पैकेट जो मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइस चलो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। स्लिप है शायद, इसका प्राइस टोटल मेरे को लगा ये 476 रुपीज़। ओके सो ये मेरा टोटल चार्ज लगा मेरे को, ओके 76 रुपीज़, बहुत ही अमाउंट लग गया है। जो भी हो ओके इसे साइड में रखते हैं, फिर देखते हैं इसका पैकेजिंग। देख सकते हो आप लोग इसके अंदर ये दो चेन ल्यूब था, इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ फिलहाल अभी। ओके साइड में रख के तो ये रहा मेरा चेन ल्यूब, मोटुल का चेन ल्यूब C2, जो सबसे बढ़िया है चेन के लिए। देख सकते हो ओरिंग, एक्स रिंग, जेड रिंग, ओके तो इन तीनों चेन के लिए सबसे सूटेबल है। 150 ml का है ये, एक कमाल का है, मतलब आई लव इट एक्चुअली। चलिए फिर अनबॉक्सिंग तो हो गया, अब करते हैं चेन को ल्यूब। सो लेट्स गो। देख सकते हो बहुत ही गंदा हो चुका है चेन, ठीक है बहुत ही गंदा है यार, देख सकते हो, देख लो पूरा चेन इसका, इसका आवाज़ के आप लोग इसका आवाज़ सुन सकते हो शायद, मतलब खिटखिट खिटखिट जो आवाज़ करेगा सुन पा रहे हो आप लोग। यस तो एक तो चेन क्लीन से कर सकते हो, मैं केरोसिन यूज़ करूँगा, ये सस्ता पड़ेगा आप लोगों को चेन क्लीन से। तो सबसे पहले अपना गाड़ी से अपना टूल किट निकाल लीजिए, आपका गाड़ी पे अगर होगा तो आप निकाल लीजिए, मेरे गाड़ी पे है, अगर नहीं होगा तो आप लोगों को शायद अलग से कुछ ख़रीदना होगा। एफजेड का यहाँ पर होता है चाबी लॉक की। ओके सो सेट को खोल लीजिए, रख के यहाँ से पहले सो इसे खोल लीजिए पहले, तो खोल के फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके अंदर मेरा सारा टूल है। तो ये रहा इसके अंदर से देखते हैं, मेरे पास ये सारा ही चीज़ें हैं। ओके तो सबसे पहले मुझे ये खोलना होगा क्योंकि इसके अंदर भी और एक सॉकेट होता है, इसे नहीं खोलेगा, इसको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा। जैम हो गया अगर ये स्क्रू, तो आप लोग ऐसे एक लॉक कर सकते हो, मतलब ऐसे लॉक करके यूज़ करके फिर इसे खोल सकते हो नॉर्मली, खोल के फिर नॉर्मली आप लोग इसे घुमा लीजिए, फिर इसे खोल लीजिए।
इसे धीरे धीरे पोंछ लो। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, फिर ये जाके मैं पूरा चेन को केरोसिन दूंगा। आप लोग देख चुके हो मेरे, पहले मैंने वो साफ कपड़े से पहले मैंने इसे मूछ लिया था, वरना पूछ लिया था, तो इसके बाद मैं इसको अब स्टार्ट करूंगा। आप लोग देख लीजिए, तो पहले मैं चाबी लगाऊंगा और ये हो गया मीटर ऑन, फिर जाके मैं इसे ऑन कर दूंगा। देख लिया, तो आप जाके इसे फास्ट गियर में कर देना। फास्ट गियर में कर दिया मैंने इसे, जो चाहिए मेरे तो पहले से नाक घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे मैं इसे मारता जाऊंगा। अब देखिए ये जो नीचे ड्रॉप्स, अब ड्रॉप्स गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए नीचे ड्रॉप्स गिरेगा, दे दिया पूरा साफ करूंगा मैं इसे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो गिर रहा है, ये जो ब्लैक मतलब ये ड्रॉप जो गिर रहा है, ये पूरा चेन का मतलब डर्ट है, पूरा चेन क्लीन हो जाएगा, देख लेना। ये हो गया, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे। ओके, गिर रहा है चीन पूरा, नीचे गिरेगा। और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केरोसिन तो वेपर हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा ऊपर, मतलब ये हवा से पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल ये सब सेम ही होता है। तो देख लीजिए चेन को मैं थोड़ा फेल करूँगा, फिर ये मार रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर दूँगा, इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना होगा, चेन को पूरा ड्राई करने के लिए छोड़ना होगा। ओके, ऑलमोस्ट साफ हो चुका है चेन, देखा ऑलमोस्ट साफ हो चुका है चेन, इसे ड्राई के लिए छोड़ देना पड़ेगा। ओके, अब ड्राई होने के बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे मोटुल का C2 वाला चेन। सूख चुका है अभी। ओके, थोड़ी देर मैंने वेट किया, चेन पूरा सूख गया है अभी। और हमेशा लूप को यूज़ करने से पहले शेक कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके, शेक करने के बाद अब इसे ओपन कीजिए, फिर लूप करना शुरू कीजिए। हमेशा याद रखना, इस ओ रिंग में जो रिंग होता है ना, ये रिंग जैसे जगह पे, इस जगह पे लूप करना चाहिए हमेशा। थोड़ा इधर भी कर लेना, अच्छी तरह से लूप हो चुका है। इस तरह से थोड़ी देर छोड़ देना होगा। ओके, देख लेते हैं एक बार, कवर को लगा लेते हैं। ओके,
देख लिया आज मैंने मोटो से कैसे मेरा चेन को ल्यूब किया, वॉश किया केरोसिन से कैसे। तो आप लोग भी ये घर पे कर सकते हो, मतलब बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आप लोगों को दिखा दिया मैंने पूरा। अगर कोई प्रॉब्लम हो और कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड मो लिव मो गाइस, थैंक यू सो मच।